रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग और रिलैक्सिंग, ये कल आपने पढ़ लिया। चाहे रिबॉन्डिंग बोल दो, चाहे स्मूथनिंग बोल दो, चाहे स्ट्रेटनिंग बोल दो, चाहे रिलैक्सिंग बोल दो, सबका एक ही काम है। इसमें एक इसका काम क्या होता है कि हेयर के बॉन्ड्स को तोड़ के और न्यूट्रलाइजर से वापस बॉन्ड जोड़ना। और इसके बॉन्ड्स तोड़ता कौन है? थायोग्लाइकोनिक एसिड, समझ गए? उसके बाद में न्यूट्रलाइजर, न्यूट्रलाइजर अप्लाई करने के बाद में उसके बॉन्ड वापस टूट जाएंगे, जोड़ जाएंगे, ठीक है? ये सारा सिस्टम समझ लिया? पहले आपको लिखवा ही दिया था कल मैंने, तो इसको रिमूव कर देता हूँ। और आज आपका चैप्टर है केराटिन और बोटॉक्स, ठीक है? क्या चीज़ है? हाँ। क्योंकि होता क्या है, केराटिन और बोटॉक्स कब किया जाता है? जब आपका रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग हो जाए। कागज़ लिखा गया, कागज़ लिखने के बाद में उसकी लेमिनेशन होती है। केराटिन और बोटॉक्स वो है लेमिनेशन। केराटिन और बोटॉक्स, ठीक है? जब आपने रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग या रिलैक्सिंग कर दी, करने से क्या हुआ, उसके बॉन्ड तोड़ के दोबारा उसने जोड़ दिए, स्ट्रेट कर दिए बाल। स्ट्रेट करने के बाद इससे क्या होता है कि बालों का मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, ठीक है? रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग करने के बाद में क्या होता है, इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, बालों में ड्राइनेस आ जाती है। कई बार कहते हैं ना, मेरे बाल रुखे रुखे से हो गए, शाइनिंग नहीं है। शाइनिंग क्यों नहीं होती? क्यों? या तो वो घर पे मास्क या सल्फेट फ्री शैम्पू, सीरम वगैरह यूज़ नहीं करते, ये तो करवा लेते हैं, लेकिन जो होम केयर प्रोडक्ट है वो यूज़ नहीं करते। लेकिन इसके साथ साथ ये करवाना ज़रूरी है, तो बालों में शाइनिंग रहेगी, क्योंकि ये देता है क्या, मॉइस्चर। ये बालों की बनाता है क्वालिटी। कल को कोई अगर आपको कोई कह देता है भाई केराटिन से बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, नहीं होंगे। केराटिन से बाल स्ट्रेट नहीं होते, सिर्फ मॉइस्चर देते हैं, उसकी क्वालिटी बन जाती है, और कुछ नहीं होता, समझ गए? आजकल क्या मार्केट में अंदर पार्लर वाले क्या करते हैं, केराटिन करवा लो जी, बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, बाल डेंड्रफ है जी, केराटिन करवा लो, बाल झड़ रहे हैं, केराटिन करवा लो, बाल रूखे हैं ये करवा लो, स्ट्रेट हो जाएंगे। इनसे स्ट्रेट नहीं होंगे कभी भी। ग्राहक जाता है तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है, झूठ नहीं बोलना। झूठ एक बार चलेगी, दूसरी बार ग्राहक खराब हो जाएगा। वो कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ईमानदारी से काम करोगे तो आपका नॉलेज ग्राहक अपने आप खींचे आएगा, नहीं तो क्या है, झूठ कभी ना कभी तो पकड़ी जाएगी, ठीक है? ये कर लिया, करने के बाद में दूसरे या तीसरे दिन 36 या 72 घंटे बाद क्लाइंट का हेयर वॉश होता है मास्क लगा के। अगर करवाए तो ठीक, नहीं करवाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बालों में ड्राइनेस आ जाए, या किसी के बाल रूखे हैं, किसी के बाल फ्रीजी हैं, तो आपने करना क्या है, केराटिन और बोटॉक्स, ठीक है? और ये चलता है ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 35 एयर वॉश, ये वॉश आउट है, ये वॉश आउट केमिकल होता है। जितनी बार वॉश करोगे उतनी बार आप ये केमिकल निकलता रहेगा,
जैसे मैं हफ्ते में 2 बार धोते हो, ठीक है, महीने में कितना हुआ, 8, 8 हो गया, उसको करे 8 से हो गया 3 महीना, 24, मतलब 3 महीना आपका ये प्रोडक्ट चलता है, उसके धीरे 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 ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे ये रिमूव हो जाएगा, कभी भी ये मत कहना 1 साल चल जाएगा, 6 महीने चल जाएगा, नहीं चलेगा। जो बात है ईमानदारी से बोलना, ये 30-35 वॉश आउट है, हफ्ते में 2 बार धोते हैं, अगर गर्मियों के अंदर 2 से ज़्यादा बार धो लिया तो ये और कम हो जाएगा, सर्दियों के अंदर ये ज़्यादा चलता है क्योंकि कई बार देखते हैं लेडीज़ हफ्ते में 1 ही बार सिर्फ धोती है, ठीक है। प्रोसीजर इसका यही होता है, इसका डबल वॉश करोगे, डबल वॉश शैम्पू। डबल वॉश का मतलब कैसे होता है, पहले आप स्कैल्प वॉश करोगे, उसके बाद में लेंथ, ठीक है। बाउल में डाला शैम्पू, थोड़ा सा पतला किया, पहले स्कैल्प को अच्छी तरह वॉश किया, उसके बाद में 2-3 मिनट रखो ताकि वो जितना भी ऑयल है वो फोम बंद कर देगा, उसको रिंस कर दो, रिंस करने के बाद में दोबारा फिर वो बचा हुआ शैम्पू वो लगाओ लेंथ पे, अच्छी तरह फोम बनेगी, फिर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दो, फिर बाद में रिंस कर दो, बिल्कुल जितना भी ऑयल है वो निकल जाएगा और आपका क्यूटिकल क्यूटिकल ओपन हो जाएगा, क्योंकि क्यूटिकल ओपन होगा तभी तो आप कॉर्टेक्स पे काम करोगे। क्योंकि जितना भी केमिकल वर्क जो होता है ना वो कॉर्टेक्स पे होता है, क्यूटिकल सिर्फ गेट है ऊपर के, और क्यूटिकल होता है ट्रांसपेरेंट कलर के, क्यूटिकल दिखाई नहीं देता लेकिन शाइन जो होती है वो फील करते हैं अपने, सारा काम करेगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स पर जी बॉन्ड तोड़े हैं, ब्रेक किए हैं, उसके बाद में जोड़े भी हैं, इसी के ऊपर क्या करेंगे, अपने डबल वॉश शैम्पू किया, क्यूटिकल ओपन किया, उसके बाद में ये केराटिन या बोटॉक्स यूज करेंगे, ठीक है। अब कब करना है कब नहीं करना ये बताता हूँ आपको मैं। केराटिन और बोटॉक्स दोनों एक ही चीज है, ये भी दोनों एक ही चीज है, फर्क इतना है इसके अंदर फॉर्मल डी हाइड्रेट, फॉर्मल डी हाइड्रेट इसमें ज्यादा है इसमें कम है, इसमें ज्यादा है इसमें कम है। ये क्या करता है, आंखों में, हाँ आंखों में पानी आएगा, नाक में जलन होगी और जब आप स्ट्रेटनिंग करोगे आयनिंग करोगे तो स्मोक होगा, क्या होगा, स्मोक, धुआं होगा। सर ये सभी पे होगा कि ये किसी किसी पे आंखों में पानी आएगा।